नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में महायुति को मिली कम सीटों को लेकर बयानबाजी जारी है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी कारणों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही तीनों ही दल विपक्ष पर संविधान को लेकर झूठा प्रचार करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में कहा गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हार का एक कारण उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ गठबंधन था। ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या बीजेपी अजीत पवार के साथ संबंध तोड़ देगी। बीजेपी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस बीजेपी नेतृत्व के एनसीपी को तोड़ने और लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ गठबंधन करने के फैसले से खुश नहीं है। नाम ना बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ताओं को पवार विरोधी नारे के साथ तैयार किया जा रहा है। सिंचाई और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े होने के कारण वे अजीत पवार के विरोधी हैं, लेकिन जूनियर पवार के बीजेपी के हाथ मिलाने के बाद पवार विरोधी बयान पीछे छूट गया। घाव पर नमक छिड़कते हुए उन्हें महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। नेता ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में यह स्पष्ट था कि आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता एनसीपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए तैयार नहीं थे और कई जगहों पर आत्मसंतुष्ट रहे। नतीजतन 2019 में बीजेपी की सीटों की संख्या 23 से घटकर 2024 में 9 रह गई। आजीवन आरएसएस कार्यकर्ता रतन शारदा ने ऑर्गेनाइजर में अपने लेख में कहा कि अजीत के साथ गठबंधन करने से बीजेपी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई है और यह बिना किसी अंतर वाली एक और पार्टी बन गई है। जानकारी के अनुसार बीजेपी नेतृत्व इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में अजीत के साथ गठबंधन न करने के प्रभाव पर विचार विमर्श कर रहा है। अगर हमारी पार्टी अजीत को छोड़ देती है और विधानसभा चुनाव में शिंदे के साथ आगे बढ़ती है तो ऐसा लग सकता है कि बीजेपी ने अजीत का इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें फेंक दिया। यह इस्तेमाल करो और फेंको की नीति उल्टी पड़ सकती है, लेकिन एक और परिदृश्य यह है कि अजीत को सहयोगी के रूप में रखना फायदेमंद नहीं हो सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।